इस वीडियो में हम संस्कृत की वस्तुएं देखेंगे, अर्थात जैसे वाहन है और शैम्पू, कंघा, इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से हमें ये जानकारी भी प्राप्त हो रही है कि जो वस्तुएं हमारी प्रतिदिन प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं। नाम बड़े ही सुंदर होते हैं संस्कृत में वस्तुओं के, जैसे आप देखेंगे कि खाने की वस्तुएं हैं ये गेहूँ, चना, दाल आदि को क्या कहते हैं, और ये रसोई में प्रयोग किए जाने वाले जो साधन हैं हमारे, जैसे ये बोतल, छन्नी, इनको संस्कृत में हम क्या कहते हैं। तो इससे हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि जानकारी प्राप्त होती है हमें। संस्कृत की प्रदर्शनी अगर लगानी है तो हम इस तरह से देखकर लगा सकते हैं कि किस तरह से संस्कृत की प्रदर्शनी लगाएं। वस्तु इसमें सब्जियों के नाम भी हमने देखे, और वाष्प, ये हमारा कुकर है जिसको वाष्प यंत्र कहते हैं, छुरी, और मतलब ये सारे सामान इसमें नाम सभी का दिया हुआ है, सभी का लिखा हुआ है प्रदर्शनी में। और हमारे ये पुस्तकालय, इसमें वेद हैं किस तरह से रखे हुए रहते हैं, मतलब कि जो किताबें हैं संस्कृत की उन्हें भी देख सकते हैं। और श्यामपट है, घड़ी है, बैग, इन्हें संस्कृत में क्या कहा जाता है। चेस मतलब खेलने के साधन हैं जो हमारे, इनको भी संस्कृत में हम क्या कहते हैं। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं और नई जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनकी जो वस्तु के नाम भी होते हैं ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में कि किस वस्तु को क्या कहते हैं, ठीक है। और ये मिठाइयाँ हैं, इनको चॉकलेट को इनको क्या कहा जाता है, ये सब आप देख सकते हैं इसमें प्रदर्शन।